आज के बॉलीवुड काउंटडाउन में बात करेंगे कि शाहरुख खान के बेटे ने खरीदा वो घर जहां उनकी मां बड़ी हुई थी। साथ ही रणवीर कपूर ने बताया कि वो सनातन धर्म में बहुत मानते हैं। और जानेंगे कि इस वीक मलयालम मूवीज में क्या क्या रिलीज होने वाला है ओटीटी पर। नमस्कार, मैं हूं भाविका और शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सनी लियोनी की फिल्म जल्दी ही होने वाली है रिलीज। सनी लियोनी की आने वाली फिल्म कोटेशन गैंग जुलाई में रिलीज होने वाली थी, पर उसे अब रेशेड्यूल कर दिया गया है। अब मूवी रिलीज होगी 30 अगस्त को। इस मूवी में सनी लियोनी के अलावा जैकी श्रॉफ, प्रियामी और सारा अर्जुन है। सनी ने अपने इंस्टाग्राम पर न्यू रिलीज डेट अनाउंस करते हुए लिखा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। कोटेशन गैंग थिएटर में 30 अगस्त को रिलीज होने वाली है। वरुण धवन की नीस अंजनी धवन करने वाली है फिल्मों में डेब्यू। 30 अगस्त को रिलीज होने वाली है वरुण धवन की नीस अंजनी धवन की डेब्यू मूवी। अंजनी की अपकमिंग फिल्म बिनी एंड फैमिली प्रोड्यूस करेगी एकता आर कपूर। तो वहीं करण जौहर ने अंजनी को विश करते हुए लिखा, वेलकम टू द मूवीज अंजनी धवन, यू आर सो सो लवली इन द फिल्म। जल्दी ही शुरू करेंगे टाइगर श्रॉफ बागी 4 की शूटिंग। बागी की सक्सेस रेट के बाद अब बागी 4 की शूटिंग शुरू होने वाली है। बॉलीवुड हंगामा रिपोर्ट्स की माने तो मेकर्स बागी 4 के लिए डायरेक्टर ढूंढ रहे हैं। शूटिंग नेक्स्ट ईयर तक शुरू होगी। सब कुछ डिपेंड करता है साजिद नाडियावाला पर कि उनके और भी वेंचर्स की शूटिंग कब तक खत्म होगी। एक बार डायरेक्टर फाइनल हो जाए उसके बाद ही फीमेल लीड कास्टिंग शुरू होगी। जावेद अख्तर एंड सलीम खान की डॉक्यूमेंट्री जल्दी ही रिलीज होगी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। जावेद अख्तर एंड सलीम खान की डॉक्यूमेंट्री एंग्री यंग मैन अक्टूबर 2024 में रिलीज होगी। सलीम जावेद बॉलीवुड के गोल्डन एरा के राइटर्स हैं। उनकी स्क्रिप्ट में रॉ इमोशंस, अनफॉरगेटेबल डायलॉग होते हैं। जावेद एंड सलीम की पार्टनरशिप की कहानी दिखाई जाएगी एंग्री यंग मैन में। दोनों ने साथ में 24 फिल्में की है। सलमान खान के सेट लगते हैं रिजॉर्ट जैसे, होते हैं लाइव फूड काउंटर्स। सलमान खान के साथ मूवी में डेब्यू करने वाली डेजी शाह ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनका पूरा रिजॉर्ट सेटअप लगता था। उन्होंने बताया कि सलमान खान की वैनिटी वैन के आगे बहुत बड़ा टेंट लगा होता था, जहां सारे क्रू और कास्ट के लिए खाना होता था, जहां काफी सारे स्नैक्स होते थे, वड़ा पाव, पानी पूरी, डोसा के लाइव काउंटर। करीना कपूर से लेकर आलिया भट्ट तक सबने प्रेज किया ओलंपिक मेडल विनर मनु भाकर को। पेरिस ओलंपिक 2024 वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में विनर रही मनु भाकर। सबने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया, तो वहीं करीना ने स्टोरी शेयर करते हुए लिखा, फर्स्ट विन होम, कॉन्ग्रेचुलेशन मनु भाकर, यू हैव मेड ऑल ऑफ अस सो प्राउड। तो अनुष्का ने स्टोरी शेयर करते हुए लिखा, शूटिंग फॉर द स्टार्स एंड क्रिएटिंग हिस्ट्री, कॉन्ग्रेचुलेशन मनु भाकर, यू हैव मेड अस ऑल प्राउड। तो वहीं आलिया भट्ट ने लिखा, आवर फर्स्ट मेडल इज। क्या बोले राजीव खंडेलवाल पाकिस्तानी आर्टिस्ट के बैन पर? डेली सोप कहीं तो होगा कि फेम एक्टर राजीव खंडेलवाल ने बॉलीवुड बबल के साथ बातचीत में बताया कि नहीं नहीं, इट इज पॉलिटिक्स, बहुत गलत है, लोगों को बैन करने वाले कौन होते हैं पॉलिटिशियंस, हमारी पॉलिटिक्स डिक्टेट करती है कुछ चीजों को। जहां पे प्यार बढ़ सकता है उस प्यार को भी आप बढ़ाने नहीं दे रहे फॉर वॉट एवर रीजंस, सो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। मेरा कमेंट करना भी गलत होगा क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता है कि क्यों। हम अमन की बात करते हैं ना, तो जहां अमन बन रहा है वहां भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग आके उसको हिंदू मुस्लिम का एंगल दे देते हैं, तो वो गलत है। ऐसे थोड़ी है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट उन्हें एजेंट की तरह भेज रही है। वैकेशन के पिक्चर को देखते हुए कीर्ति सेनन के डेटिंग र्यूमर्स की खबरें आई चर्चे में। बॉलीवुड एक्ट्रेस कीर्ति सेनन के डेटिंग र्यूमर्स बिजनेसमैन कबीर के साथ काफी चर्चे में है। दोनों को एक साथ ग्रीक आइलैंड में देखा गया, जहां दोनों साथ में हॉलिडे एंजॉय करते हुए नजर आए, जहां कबीर ने सेम लोकेशन की पिक्चर शेयर की बट कीर्ति को टैग नहीं किया। तो वहीं कीर्ति ने इस साल कई सारे लंदन ट्रिप्स भी किए। फैंस का कहना है कि वो कबीर से मिलने के लिए लंदन जाया करती थी। द टुनाइट शो पर जिमी के साथ बातचीत में निक ने बताया कि उन्हें क्यों द नेशनल जीजू का टैग मिला है। उन्होंने कहा कि जैसे कि आप जानते हैं, आई एम मैरिड टू प्रियंका। जब हमारी शादी हुई थी तब से ये हैशटैग चला रहा है नेशनल जीजू। जीजू मीन्स बड़ी बहन का पति, इसीलिए मैं पूरे इंडिया का जीजू हुआ। उस शो के होस्ट ने वो क्लिप भी प्ले किया जहां जॉनस ब्रदर मुंबई के कॉन्सर्ट में जो और केविन निक को एज अ जीजू इंट्रोड्यूस करा रहे थे। ये पूरा क्राउड निक को देखकर जीजू जीजू चिल्लाने लगा। प्रियंका चोपड़ा के नाम पर जब 8 महीने के बेबी कोआला का नाम रखा गया तो क्या कहा प्रियंका ने, आइए जानते हैं। प्रियंका अपनी हॉलीवुड फिल्म के लिए ऑस्ट्रेलिया में शूट कर रही हैं। जब भी उन्हें शूटिंग से टाइम मिलता है तो वो ऑस्ट्रेलिया घूमती हैं।
हाल ही में उन्होंने होम स्टेट पैराडाइज कंट्री एट गोल्ड कोस्ट विजिट किया, जहां उन्होंने देखा कि बेबी क्वाला का नाम उनके नाम पर है। ये सुनते ही उन्होंने बोला, आर यू सीरियस, साथ ही थैंक्स के ऑफिशियल को। और बेबी क्वाला के साथ उन्होंने कई सारी पिक्चर्स भी क्लियर कराई, जिसे उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर भी की है। अब होगी टक्कर जवान और कल्कि 2898 एडी में। नाग अश्विन की डायरेक्टेड मूवी कल्कि 2898 एडी को रिलीज हुए एक महीने से ऊपर हो गया है, पर बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन बढ़ती ही जा रही है। जहां कल्कि सबको पीछे छोड़कर आगे निकल चुकी है, तो वहीं बस जवान से 17 करोड़ ही पीछे है। जहां जवान की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी 640 करोड़, तो वहीं कल्कि की कलेक्शन है 623.85 करोड़। अगर इसी तरह बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन चलती रही तो नेक्स्ट वीकेंड तक कल्कि जवान को क्रॉस कर आगे निकल जाएगी। संजय दत्त के बर्थडे पर सायरा बानो ने लिखा हर्टफुल नोट। संजय दत्त के 65 बर्थडे पर बहुत लोगों ने उन्हें विश किया है, यहाँ तक कि पूरा का पूरा सोशल मीडिया उनके विश से फ्लडेड है। तो वहीं सायरा बानो ने उनके लिए लिखा, संजय दत्त हमेशा से मेरे लिए मेरी फैमिली जैसे हैं। मेरी पूरी फैमिली, अम्मा जी, अप्पा जी, साहेब, मैं, हर किसी ने संजय को टोडलर से लेके एक रिमार्केबल पर्सन तक ग्रो होते देखा। मुझे आज भी याद है जब नरगिस आपा एक क्यूट से बच्चे के साथ फंक्शन में आती थी और कहती थी, चलो शायरा जी को बोलो तुम क्या बोलते थे मुझे। तो क्यूट लिटिल संजय कहते कि मैं सायला बानो से शादी कर लूंगा। सो अडोरेबल। आई बिलीव शर्मिला टैगोर एंड आई वर द टॉप फेवरेट्स ऑफ संजू। शाहरुख खान के बेटे ने खरीदा वो घर जहां उनकी माँ बड़ी हुई थी। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने दिल्ली में एक बिल्डिंग में 2 फ्लोर्स का घर लिया है, जिसके लिए उन्होंने 37 करोड़ दिए। ये घर साउथ दिल्ली के पंचशील पार्क में है। मई 2024 में ये घर उनके नाम पर रजिस्टर हुआ था, जिसके लिए आर्यन ने स्टैम्प ड्यूटी में 2.64 करोड़ दिए थे। फिर गौरी खान ने इसे डिजाइन किया था। ये प्रोबेबली आर्यन खान की फर्स्ट प्रॉपर्टी है। बताया जा रहा है कि गौरी खान उसी बिल्डिंग में रहा करती थी अपनी शादी से पहले। गौरी की फैमिली ऑलरेडी ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर ओन करती है। तो वहीं बात करें एसआरके की बेटी सुहाना खान की, तो उन्होंने भी 1.5 एकड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, जिसमें 3 घर हैं। ये प्रॉपर्टी अलीबाग में है, जिसके लिए सुहाना ने लगभग 13 करोड़ खर्च किए। ये घर उन्होंने जून 2023 में लिया था। हाल ही में रणवीर कपूर रामायण की शूटिंग में बिजी हैं, तो वहीं उन्होंने एक पॉडकास्ट में बताया कि वो सनातन धर्म में बहुत मानते हैं। उनका कहना था कि जब वो बड़े हो रहे थे तो उन्होंने अपने पापा ऋषि कपूर को देखा कि वो पूजा पाठ बहुत करते हैं, उसमें बहुत मानते। आगे बताते हुए रणवीर ने कहा कि हम दिन में 2 बार पूजा करते हैं, सारे फेस्टिवल मनाते हैं, हम अपने घर में नवरात्रे भी रखते हैं, इसीलिए भगवान मेरे लिए बचपन से ही एक बहुत बड़ी चीज है। हालांकि मेरी माँ नीतू कपूर थोड़ी कम रिलीजियस है। साथ ही उनका कहना था कि मैं भगवान से ये कभी नहीं मांगता कि मेरी फिल्म सक्सेसफुल हो जाए, मैं कुछ खरीद पाऊँ। मेरा और भगवान का रिश्ता बहुत ग्रैटिट्यूड भरा है। मेरे पास जो है मैं उस चीज के लिए भगवान को धन्यवाद करता। आगे की बातचीत में रणवीर बताते हैं कि हाँ, मैं सनातन धर्म में भी बिलीव करने लगा हूँ। लास्ट कुछ सालों से मैंने पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते मैं काफी डीप चला गया। अगर आप माने तो ये एक होप है। आप अपने आप को एक अच्छा सिस्टम प्रोवाइड कर सकते हैं, आप अपनी वैल्यूज को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं खुद बहुत कनेक्टेड फील करता हूँ। आइए जाने इस वीक मलयालम मूवीज में क्या क्या रिलीज होने वाला है ओटीटी पर। इंडियन सिनेमा में मलयालम सिनेमास की स्टोरी टेलिंग सबसे टॉप पर रही है। इस वीक रिलीज होने जा रही है टॉप 5 मलयालम मूवी, वो भी ओटीटी पर। चलिए जानते हैं कौन कौन सी मूवी होगी रिलीज। उल्लू जुकू, अमेजोन प्राइम पर रिलीज होने वाली उल्लू जुकू एक जबरदस्त मूवी होने वाली है। मूवी में एक यंग ब्राइड की कहानी है, जो कि ट्रैप हो जाती है एक लवलेस मैरिज में, जहां कोई प्यार नहीं होता। ट्विस्ट तो तब आता है जब वो अपनी सास का ट्रस्ट जीत। मारे विलेन गोपू रंगल। सोनी लिव ला रहा है हमारे लिए एक मजेदार मूवी, जिसमें एक मॉडर्न फैमिली काफी सारे अप डाउन्स देखती है। कहानी एक यंग कपल की है, जिनके घर आते हैं अनएक्सपेक्टेड गेस्ट, जो होता है हीरो का जॉबलेस भाई और उनकी अनमैरिड प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड। थलावान, अगर आपको ड्रामा पसंद है तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट है। ये स्टोरी बेस्ड है वर्किंग ऑफ लोकल पुलिस पर, कैसे वो एक्सपोज करती है पावर को। ये मूवी में क्लैश होता है पर्सनल एम्बिशंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स के बीच में। सोनी लिव पर आपको ये मूवी मिलेगी। टर्बो, एक हाई ऑक्टेन थ्रिलर मूवी। टर्बो प्रीमियर होगी 9 अगस्त को सोनी लिव पर। कहानी है जीप ड्राइवर की, जिसके जीवन में अनएक्सपेक्टेड टर्न आते हैं जब उसे चेन्नई शिफ्ट होने के लिए फोर्स किया जाता है।
नंदानन संभावम। ये फिल्म दर्शाती है ह्यूमंस के बिहेवियर और उनके रिलेशनशिप। ये मूवी आपको देखने को मिलेगी मनोरमा मैक्स पर। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज और अपडेट सबसे पहले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।